हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं लेके आया हूँ कल की बात, आज एपिसोड नंबर 70, यानी कि हम एडवांस में बात करने वाले हैं कि भैया आज अभी हम डिस्कस करने वाले निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स, और आज थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत पावरफुल लेवल्स देने वाला हूँ और कुछ बड़ा, इस लेवल से कुछ बड़ा ही होगा, कुछ धमाका होगा, 110%। लिख के ले लो, फिर बोलना कि हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं जो इस एपिसोड में आपको एडवांस के लेवल्स देता हूँ, यानी कल किन लेवल्स पर हमें इक्विटी में काम करना है या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है, उसके बारे में बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम करने वाले हैं, किस पे काम और क्या स्टॉक्स पे नजर रखेंगे, ईगल आई व्यू किंग रिसर्च वाला। चलिए, सो गाइस, सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। और अपना ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, यही मेरी तरह से आप लोगों के लिए मंत्र होगा। मे योर पोर्टफोलियो न्यू हाइट्स टुडे एंड फॉर एवर। ओके, चलिए। निफ्टी फ्यूचर्स लास्ट क्लोज 11,348। अगर आपको याद होगा जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी एडवांस में, जो सिलेक्शन मैंने आपको बताया था, याद है ये लेवल 11,249। और देख लीजिए मैंने क्या लेवल बोला था, किस लेवल पे अपनी नजर रखने के लिए बोला था, 11,170 क्लियर कट बोला था, नो ब्ला ब्ला। और ऊपर का बोला था कि भैया 11,247 आएगा तो ही बाई करना है। 247 के ऊपर आप खुद देखो कहां तक मेड हाई बना कल भी और आज भी, ठीक है। ओनली थिंग फॉर द बाई 270 के ऊपर भाई। और आज भी इसी से रिलेटेड ही कुछ देने वाला हूं, ध्यान से समझना। यहां पे भी मैंने आपको बोला था नॉट ब्रेक 21,610 एंड स्टे अबव 947, इट विल जूम टू किस 22,456, 22,700 का लेवल्स दिया था, याद है। और आपने ये देख ही लिया होगा, हेवल्स अरविंदो अरविंदो का मैंने आपको लेवल्स दिया था, करेक्ट। 921 के ऊपर कुछ बड़ा धमाका होगा, क्लियर कट लिख के बोला था, बिग तेजी ऑन करो, टारगेट देख लो मेरे भाई, किस लेवल पे किस करेगा, खुद जाके चेक करो, होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूं कल हम किन लेवल्स पे बात करें। लास्ट क्लोज 348, यस, नाउ 247 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। पहले वो हडल था ऊपर का, इसके ऊपर से बाई करने का सोचना था, अब ये आपका एक नीचे का पावरफुल सपोर्ट बन जाएगा। इसके नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ ठोकने का सोचना है, और ध्यान से समझना। लॉ एंड हार्ट ट्रेडर कैन बाई नियर 10,310, 11,290, 270 के आसपास आए, बाई करने का सोचो विद स्टॉप लॉस 11,270। जितने दम से मैं बात कर रहा हूं सर, लेवल आप चेक करना, उतने ही दमदार देने वाला हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं। जितने यूट्यूबर का आपने फॉलो करा है बॉस, लॉस सबका होता है, प्रॉफिट सबका होता है, लेकिन लॉस पे कितने लोग अपनी बात पे खड़े रहते हैं और प्रॉफिट पे कितने रहते हैं, ये आप ध्यान से समझना मेरी बात। लॉ एंड हार्ट ट्रेडर कैन बाय नियर 310, 290 पे विद स्टॉप लॉस 11,270। समथिंग कुकिंग बिग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स तो और बढ़िया देने वाला हूँ, स्टे ट्यून विद अस। प्योर ट्रेंड फॉलोअर्स, जब तक 11,270 के नीचे नहीं आएगा हम लोग सेल नहीं करेंगे, ध्यान से समझना। बिलो 270 ओनली पैनिक, अप टू 100 पॉइंट मिनिमम 11,170, 11,147। और ऊपर का जो हडल है 390 का, यानी कि 11,390 का हडल है, अगर ये भी क्रॉस हुआ ना भाई, फिर फायरवर्क्स देखेंगे हम इसके अंदर, मार्केट के अंदर। यस, फायरवर्क्स, दिवाली एडवांस में मना लिए जाएगी जो नवंबर में आ रही है। बैंक निफ्टी की बात करूंगा, 22,310 हडल है, 22,470, 22,530, यस, वंस क्रॉस थिंक ओनली फॉर बिग बुल वाला रन, नॉट चिंदी टारगेट। 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी में। लेवल्स रट लेना, नोट कर लेना, और फिर बताना कि जो सर ने लेवल्स दिया था आया कि नहीं हुआ है। नो फादर विल टेल यू दिस काइंड ऑफ लेवल्स, ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूं। आ जाओ सर, घमंड नहीं है, काम बोलता है, काम देखो, एक नहीं छह छह अकाउंट, सात सात अकाउंट बैक टू बैक आपको डबल करके दिया है पैसा एक महीने के अंदर। तुक्का एक दिन लगेगा, दो दिन लगेगा, रोज रोज नहीं लगेगा मेरे भाई, बट सीखो। कमेंट बाजी करने से अच्छा सीखो ये बंदा देता कैसे है, ऐसा क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा 100% एक्यूरेसी लेवल, मैं बात करता हूं 30% एक्यूरेसी लेवल। अगर 30% एक्यूरेसी लेवल भी है, 10 में से 7 भी स्टॉप लॉस होंगे, बाकी के जो 3 होंगे ना, भर भर के दे दूंगा, भर भर के
नोटिस करना, ये मेरी साइकोलॉजी है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है बॉस, किस जन्म में रह रहे हो, 100% एक्यूरेसी लेवल, यस वंस क्रॉस देन विल थिंक फॉर द बिग बुल वाला रन बिलो 22156 ओनली पैनिक विद स्टॉप लॉस 22470 का, अदरवाइज 470 के ऊपर बूम बूम एंड बूम, ध्यान से समझ लेना। यस समथिंग कुकिंग वेरी बिग इन दिस मार्केट। रिलायंस की बात करूंगा, लास्ट क्लोज 21.32, यस लास्ट होप वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट 20.96, वंस ब्रेक देन इट विल बी सी बिग वर्टिकल अप टू 20.30, 19.96, राइट। लेकिन एक सेकंड बेटा, चाचू बेटा अभी आ रहे हैं, अभी पापा वीडियो बना रहे हैं, एक सेकंड बेटा ठीक है, बस टू सेकंड दे दो आप मुझे, सॉरी सर एक्चुअली। यस लास्ट होप वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट 2096, वंस ब्रेक देन विल सी बिग वर्टिकल फॉल अप टू 20.30, 19.96। लेकिन लैंस में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, ऊपर के साइड में कुछ और डील आ गई तो भैया यहां से 100 पॉइंट और 150 पॉइंट 200 पॉइंट भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पे बिल्कुल रिस्क लेना चाहते हो तो बाई करके चलना, मेरे को तो बहुत अच्छा दिख रहा है। टू बी फ्रेंडली स्पीकिंग, ये लेवल आएगा तो ही ठोकूंगा, या फिर इससे 10 पॉइंट और 15 पॉइंट नीचे आएगा तो ही ठोकने का सोचूंगा, अदरवाइज लैंस को अकाउंट में भरो बॉस। अदानी बिलो 194 गो शॉर्ट विद स्टॉप लॉस 197, डोंट यूज योर ब्रेन, फॉलो द रूल्स, दैट्स इट। पैनिक स्लाइड अप टू 188-185। टाटा कंज्यूमर लास्ट क्लोज 516.40, यस बिलो 510 शार्प पैनिक ऑल कार्ड, विल सी स्लाइड अप टू 491-486। बॉस मैं ब्रेकआउट पे काम नहीं कराता, फिर समझ लेना, पूरी दुनिया ब्रेकआउट पे काम कराएगी, रेजिस्टेंस खींचेगी, लो खींचेगा, ऊपर ब्रेकआउट किया तो बाय करो, नीचे ब्रेकआउट, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं उस पर काम नहीं करता भाई, कुछ अपने अलग फंडे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उससे करती है तो पैसा कैसे बनाओगे। जुबिलेंट फूड लास्ट क्लोज 1882, यस बिलो 1859, विल सी पैनिक अप टू 1718, योर स्टॉप लॉस विल बी 1905। अशोक लेलैंड 52.30 का लास्ट क्लोज है, अवर लक्ष्मण रेखा जोन 53 and 50, गो शॉर्ट इन बिटवीन दीज लेवल्स विद स्टॉप लॉस 55-50 का। लर्न एंड देन अर्न, आवर मोटो याद है ना सबको भाई, ईगो जो है ना ये बहुत खतरनाक चीज होती है, तो ईगो का ई हटाओ आज, ये आपके लिए लर्निंग है। डोंट चेज योर ईगो, यू विल डाउन विद इट, विद यू विल ड्रोन विद इट, राइट। सो सीखने का सोचो, जरूरी नहीं कि किंग रिसर्च से सीखो, जहाँ आपको समझ में आता है बॉस वहाँ जाके सीखो, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी धंधा बिना सीखे आप नहीं कर सकते। तो जिसको फॉलो कर दो, जिसकी बात समझ में आती है, मेरा एक ही मोटो है, मेरा एक ही मैसेज आपको देना चाहता हूँ, सीखो फिर ट्रेड करने का सोचना, भले ही आपके अकाउंट में 5000 है, तो 5000 का भी धंधा कर रहे हो तो धंधा सीखना पड़ेगा कैसे होता है, और सीखना उससे है, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, सीखना उससे है जो खुद ट्रेड करता हो, सिर्फ यूट्यूबर आके यूट्यूब में वीडियो बनाने से भाई वो लेवल्स नहीं होते हैं, खाली लेवल्स देने से वो चलेगा नहीं, क्या खुद ट्रेड कर रहा है, खुद ट्रेड कर रहा है तो पूछो उससे कि भैया दिखाओ अपना अकाउंट। आप बाकी आप समझदार हो, किसको ऑन कितने लोग यूट्यूब में ट्रेड करते हैं और कितने लोग नहीं करते हैं, बाकी आपकी मर्जी भैया, लगे रहो जहां लगना है, मुझे क्या है, राइट। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरी चीज़ समझ में आ रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये इसलिए मैं मांगता हूँ बॉस, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, आपके एक लाइव से टाइम निकाल के जो एक घंटे की एनालिसिस होती है, इतने सारे स्टॉक्स में आपको निकाल के देता हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता कल चलेंगे नहीं चलेंगे, बट स्टिल आई एम गिविंग माई बेस्ट, क्यों, आप लोगों की हेल्प हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 से 12 यूट्यूब में ऑलरेडी स्ट्रैटेजी दी है फ्री ऑफ कॉस्ट बॉस, गो एंड चेक, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, पैसा ऑटोमेटिक है, किसी टिप्स वाले को पैसा नहीं देना है। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आपका रिस्क एवरीथिंग इज योर्स, राइट। तो अपना दिमाग लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करो और फिर ट्रेड करो। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू ऑल।